अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 वायर वाला जो पावर विंडो का बटन होता है उसके वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इनमें से कौन सी वायर में इग्निशन स्विच का करंट होता है, कौन सी वायर अर्थ की होती हैं और कौन सी वायर मोटर की होती हैं। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पावर विंडो के पीछे से 4 वायर आ रही हैं। इनमें से 2 वायर जो हैं वो मोटर की हैं और 1 वायर में इग्निशन स्विच का करंट है और 1 अर्थ की है। ये 4 वायर हैं और जो बटन है ये 5 वायर वाला है। तो इसलिए मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि 5 वायर वाला बटन आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इनमें से मोटर के 1 वायर को मैंने इग्निशन स्विच का करंट दिया और दूसरी को मैं अर्थ दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पावर विंडो जो है इसकी काम कर रही है। अब इसके बटन के साथ कनेक्शन करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इसके वायरिंग कनेक्शन समझ लें, उसके बाद इसे पावर विंडो के साथ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जो सेंटर वाली आप ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं, ये 3 नंबर वाली, इसमें इग्निशन स्विच का करंट होता है। जब इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो इस वायर पर 12 वोल्ट पॉजिटिव करंट आ जाता है। इसी तरह से ये जो 2 नंबर वायर और 4 नंबर वायर है, ये दोनों अर्थ की होती हैं। ठीक है, ये दोनों अर्थ की हो गई। ये जो सेंटर वाली 3 नंबर वायर है, इसमें इग्निशन स्विच का करंट होता है और ये जो 2 नंबर और 4 नंबर वायर है ये अर्थ की होती हैं। इसी तरह से ये जो बाकी 2 वायर बच जाती हैं, ये दोनों मोटर की होती हैं। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन कर लिए मैंने। ये जो सेंटर वाली वायर थी इसको 12 वोल्ट इग्निशन स्विच का करंट दे दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ये वायर है ये 12 वोल्ट इग्निशन स्विच का करंट है। इसी तरह से पीछे से जो है वो 1 अर्थ आ रहा था और बटन के हैं वो 2 अर्थ हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके वो 1 अर्थ के साथ अटैच कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से बाकी जो है वो 2 वायर जो बच गई थी वो मोटर की थी। ये मोटर की वायर के साथ ये लगा दी दोनों। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बटन ऊपर करने पर ये ऊपर जा रही है और नीचे करने पर ये नीचे आ रही है। तकरीबन तमाम गाड़ियों के जो कनेक्शन है वो इसी तरह से होते हैं। कनेक्शन के दौरान सिर्फ एक इशू आ सकता है, वो ये कि जब बटन जो है वो उल्टा काम करे। जब नीचे करते हैं तो पावर विंडो जो है वो ऊपर जाती है और ऊपर करने पर नीचे आती है। वो सिर्फ ये इशू होता है जो इसकी मोटर की जो वायर होती है, इन दोनों को जब उल्टाएँगे तो आप ये जो इशू है वो हल हो जाएगा। तो सिर्फ इसी का ही फ़र्क आता है, बाकी कनेक्शन जो है वो सेम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।